हेलो दगड़ियों, पहला प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ का ये धनिया है तो ये धनिया किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरह से इसकी गुड़ाई होती है और कब इसकी तुड़ाई होती है और कितने दिन में ये धनिया तैयार हो जाता है। तो आज व्लॉग की शुरुआत में जो है सुबह सुबह से कर दे रहा हूँ क्योंकि सुबह यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और चिड़ियाओं की देखो कोमल कोमल मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज़ जो है यहाँ पर सुनाई दे रही है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक स्वर्ग जगह है जहाँ पर देखिए यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन लग रहा है। हमारे यहाँ घर में कमल का फूल भी बना हुआ है और यहाँ का मौसम और इतना बड़ा पेड़ और पूरी हरियाली यहाँ पर छाई हुई है। तो भाई, खेतों में टहलते हुए सुबह सुबह चेक करने पड़ते हैं खेतों में कहीं सुअर या कोई बंदर तो रात में हमारी फसल का नुकसान नहीं करके गया है। तो अभी मैं चेक करने आया हूँ यहाँ पर। इस बार जो है खेत जल्दी खाली हो गए हैं क्योंकि फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जबकि ये खेत खाली होने चाहिए थे सितंबर अक्टूबर नवंबर में। सो भाई, अभी मैं निकल लिया हूँ डेयरी को और मैं दिखाता हूँ हमारी डेयरी कितनी दूर है यहाँ से। सो यहाँ से लेके ओ वहाँ पर है डेयरी और यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को लगभग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। यहाँ से लगभग लगभग मुझे जाना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर। पशुपालन भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पहाड़ों में। दुग्ध उत्पादन भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम निकल लिए हैं खेतों में को और नाश्ता वास्ता करके। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि धनिया के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कहीं बंदर तो नहीं आए हैं। लोगों की ज़िंदगी में कभी उतार और कभी चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस बार आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ खेतों में पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। सो ऐसे ही हमारा भी है। तो मेरे भी जो युवा साथी हैं वो बहुत से लोगों का सपना है कि वो YouTube पर वीडियोस बनाएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंटेंट बनाएं। तो और किसी के पास बहुत अच्छा कंटेंट है, वो अपना बहुत अच्छा कंटेंट बना के दिखा रहे हैं। तो हमारे पास ये खेत हैं तो हम इन खेतों से ही अपना एक कंटेंट बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आज आपको धनिये की खेती के बारे में बताऊंगा। तो ये आप लोग धनिये का खेत जो है देख रहे हैं मेरे पीछे, पूरा धनिये का खेत है और ये किस सिस्टम से हमने लगाया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं सीधे। आप लोग अगर मेरी राय मानोगे तो अगर मेरा कहा हुआ मानोगे इस ब्लॉग के बाद, अगर आप धनिया लगाओगे तो आप इसी तरीके से लगाना। तो इसका थोड़ा सा सिस्टम आपको बताते हैं और बाद में हम आपको लगा के भी दिखाएंगे। तो इसमें सिस्टम यह है कि जिस प्रकार से अभी वीडियो में देख रहे हैं, इस साइड से भी गोल बनाई है, इस साइड से भी गोल बनाई है और इस साइड से भी गोल बनाई है क्योंकि अभी है बरसातों का समय। तो बरसातों में जो है बारिश ज़्यादा होती है तो खेत में पानी ना रुके, तो खेत का जितना भी पानी हो वो जो है सीधे बाहर हो जाए और दूसरे खेत में चले जाए। तो इस प्रकार से कुछ बना के आप लोग धनिये की खेती करना शुरुआत कर सकते हैं अपने पहाड़ों से। तो पहाड़ों में रोज़गार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो आप दुग्ध उत्पादन का भी कर सकते हैं, 2-4 जानवर भी पाल सकते हैं और खेतों में काम करके आप लोग थोड़ा बहुत अपने आप को वो प्रॉफिट भी कर सकते हैं। सो भाई, मैंने अपना एक छोटा सा लगा लिया इस पर माइक और इसको चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, तो माइक साइज चल रहा है तो चेक कर लिया मैंने।
तो एक बार मैं जब वीडियो बना रहा था तो माइक जो है वो पूरा लगा ही नहीं था, तो मैं खाली पागलों की तरफ बोलते रहा, और लास्ट में देखा तो वीडियो में कोई आवाज़ ही नहीं थी। तो माइक को हम यहाँ पर कर लेते हैं अटैच और आपको बताते हैं थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत इसमें जो ये खरपतवार है ये हमको निकालनी पड़ेगी, इसमें से जो कुछ इस तरीके से निकालनी पड़ती है। तो मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है, कोई चीज़ आसानी से नहीं होती। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे डबल मेहनत पड़ रही है, और मुझे वीडियो भी बनानी पड़ रही है और साथ में काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो, मैं ऐसा माहौल अपने घर में नहीं बनाना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो की वजह से मेरे घर वाले परेशान हो जाएं, मैं काम ही ना करूँ। ऐसी भी हो, ऐसी भी बात हो तो एक काम भी मुझे करना पड़ेगा और वीडियोज़ भी बनानी पड़ेंगे। तो अभी देसी जुगाड़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैं देसी जुगाड़ आपको बाद में बताऊँगा ये देसी जुगाड़ क्या है मेरा। तो वीडियो को अभी यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आपको, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में। तो अभी मुझे काम भी बहुत करना है, तो मैं काम भी करते रह रहा हूँ और आप लोगों से बात भी करते रह रहा हूँ। अभी मैं इसको वीडियो को करूँगा बंद, क्योंकि फ़ोन का चार्ज और माइक का जो चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे आगे भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो अभी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। तो भाई ये वीडियो तो तुमको पसंद आएगी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वीडियो में बनाऊंगा वैसे वीडियो में बना नहीं पाया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग दौर पे हैं तो उतनी अच्छी वीडियो बन नहीं पा रही है। तो इसको मैं जैसी वीडियो बनाना चाह रहा था वैसी वीडियो बनी नहीं। तो यहाँ पे जो अभी शाम का मौसम है वो शाम को जो है अंधेरा होने के लिए तैयार है, और शाम का भी मौसम यहाँ खूब ज़बरदस्त है। तो वीडियो में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लाइक शेयर कमेंट करना के लिए, क्योंकि वीडियो वैसी बनी नहीं है जैसी मैं चाह रहा था। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको डालूंगा तो डाले में तो यूट्यूब पर डालूंगा, क्योंकि इससे अनुभव और एक्सपीरियंस मुझे होगा। तो बाय बाय।